सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ रियलिस्टिक ड्रैगन मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करके अपने माइनक्राफ्ट पॉकेशन में एक ड्रैगन को ऐड कर सकते हो, और उसकी जो लुक है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तो और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप उसके ऊपर राइड कैसे कर सकते हो, उसको टेम कैसे कर सकते हो, और तो और आप उसको अपने सर्वाइवल में कैसे स्पॉन करा सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उसको सर्वाइवल में स्पॉन कराना बहुत ज्यादा हार्ड है। तो सबसे पहले बात, मैं क्रिएटिव में, तो यहाँ पे मेरे को ले लेना है एवियो ड्रैगन। इसका नाम गाइस एवियो ड्रैगन है, तो मेरे को लिख देना है एवियो। और यहाँ पे मिल चुका गाइस एवियो ड्रैगन का स्पॉन एग। और गाइस, अगर आपको उसको सर्वाइवल में चाहिए तो गाइस इसको थोड़ा ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए यहाँ पे हमको चाहिए रहेगा स्ट्रे, जो कि हमको मिलता है स्नो बायोम में। तो यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा स्ट्रे का स्पॉन एग। और गाइस, ये विदर्स क्या नाम था उसका, विदर स्केलेटन के हेड से भी बहुत ज़्यादा रेयर है। इससे निकालना मतलब इसको आपको कम से कम 50 मारोगे ना, तब जाके आपको कम से कम एक मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा। अगर आप लूटिंग 3 लगा के मारोगे तो हो सकता है थोड़ा चांस कम हो जाए मिलने का, मतलब चांस बढ़ जाए मिलने का, कम क्या होएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसको मारते हैं, नहीं मिला। और गाइस, आपको डायरेक्टली एक स्पॉन एग मिलेगा। यहाँ पे देखो इसकी बो वगैरह मिल गई, पर उसका पूरा वो नहीं मिला, क्या नाम है उसका, हमारा स्पॉन एग। वो कम से कम आप 50 मारोगे तब जाके आपको मिलेगा एक स्पॉन एग, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। और यहाँ पे इसको मैंने मारा फिर भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत मार के देते नहीं मिला, तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तो और गाइस, सर्वाइवल का बेस्ट मोड है, आपको जो पसंद आएगा, बस यही थोड़ी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी आपको स्ट्रे के स्पॉन एग के रात में स्ट्रे के बायोम में। तय मैंने इसको मारा, पर एन्चांटेड यहाँ पे हमको सारी की सारी बो मिल जा रही है, पर एग नहीं मिल रहा है। पर मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये स्ट्रे से ही मिलेगा, और अगर मिल जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ज़्यादा लकी हो अगर फर्स्ट बार में मिल जाए। लूटिंग 3 लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा फायदा पड़ जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे मैंने मारा फिर भी नहीं मिल रहा। लेट्स सिंपल, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको टेम कैसे कर सकते हो और क्या क्या प्रिवेंशन आपको लेनी है टेम करते वक्त। तो फालतू को सामान अंदर धरते हैं। और गाइस, इसका एक अलग से सेपरेट आर्मर है, एक तो हमको सैडल भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको नेदरराइट का एक आर्मर मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली नेदरराइट से बनेगा। तो और गाइस, आपको उसकी थोड़ी हेल्थ वगैरह भी बढ़ा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रेयर है, एक ड्रैगन ही बहुत ज़्यादा रेयर है, तो थोड़ा हेल्थ वगैरह आपको संभाल करनी पड़ेगी। और तो और गाइस, आपको टेम करने के लिए यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पर टेम करने के लिए यहाँ पर कुछ चीप कॉल। और अगर आपको उसकी हेल्थ वगैरह बढ़ानी है तो आप केक खिला सकते हो, वही बहुत लॉजिक पता नहीं कही है, तुमने केक ले लिया है, केक खिला सकते हो, ब्रेड खिला सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ट्रॉपिकल फिश, सैलमन वगैरह कुछ भी खिला सकते हो, उसकी हेल्थ वापस से रिजनरेट हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एवियो ड्रैगन को स्पॉन कर दिया है। और गाइस, इसकी लुक देखो बहुत ज़्यादा ही ऑसम लग रहा है, और बहुत ज़्यादा तगड़े एनिमेशन चले हैं। यहाँ पे आपको 4 ड्रैगन्स, मतलब ड्रैगन तो एक ही है, पर आपको 4 वेरियंट्स मिलेंगे, या फिर एक बड़े साइज में मिल जाएगा, छोटे साइज में मिल जाएगा, या फिर अलग अलग कलर में मिल जाएगा। और गाइस, ये देखो, ये मेरे ख्याल से सेम ही है, हमें को लगा अलग बट थोड़ा बड़ा है। और गाइस देखो, इसका कलर थोड़ा अलग है, पर परफॉर्मेंस वगैरह एकदम सेम है। और ये भी देखो, इसका भी कलर एकदम अलग है, और इसका कलर तो भाई एक ही कलर क्यों मिल रहा है, एक ही कलर बार बार मिल जा रहा है। तो गाइस, इसका कलर भी एकदम अलग है, जो कि अभी हमको पिछली बार मिला। और गाइस, ये थोड़ा क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अभी गेम लैग ना हो तो यहाँ पे मैं स्लैश की लाइटी लिख देता हूँ, ताकि थोड़ी गेम लैग ना हो। और तो गाइस, यहाँ पे आपको एक ही ड्रैगन मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और गाइस, अगर आपका बाय चांस ड्रैगन मर भी जाए तो यहाँ पे आपको उसका स्पॉन एग वापस से मिल जाएगा, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम बात है। तो बस आपको एक ही ड्रैगन एग चाहिएगा, तो फिर आप इन्फिनिट ड्रैगन एग बना सकते हो, मार के वापस ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब इन्फिनिट तो नहीं बनेंगे, पर यूँ कह सकते हैं कि आपके पास परमानेंट एक ड्रैगन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप इसको टेम कैसे कर सकते हो। और तो और गाइस, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक नेदरराइट का आर्मर पहन लूँ, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ भी दिया गलती से, या फिर इसके ज़्यादा पास चले गए बिना टेम करे, तो हो सकता है कि आपको मारने के लिए दौड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा आर्मर तो पहन ही लिया है। और यहाँ पर जो अपना गेम मोड है उसको सर्वाइवल में कर लेते हैं। और तो और मैं आपको दिखाता हूँ उसको टेम कैसे कर सकते हैं। और गाइस देखो, मैं इसके पास भी आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा भगाने लग गया है। तो काम करते हैं, जल्दी से हम इसको टेम कर लेते हैं, भाई मारते रहते तू। तो गाइस, मैंने फाइनली एक खिलाया, पर अभी मेरे ख्याल से टेम हो चुका है। देखो, हार्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप इसके ऊपर राइड कर सकते हो, पर अगर बिना सैडल वगैरह राइड करोगे बिना लगाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये अपना धुन में ही चलते रहेगा और आपकी बात नहीं सुनेगा। तो पहले तो यहाँ पे डे कर लेता हूँ, भाई डे में अच्छा रहता है। तो गाइस, अगर यहाँ पे पहले आपको लेना पड़ेगा सैडल, और राइड का ऑप्शन जैसे ही आ जाए तो राइड करना पड़ेगा, पर राइड नहीं होगी, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सैडल। भाई कहाँ चला गया, राइड का ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा ड्रैगन स्पॉन कराता हूँ, थोड़ा बहुत अड़ंगे भी करते हैं एक तरीके से। और यहाँ पे मैं इसको खिलाता हूँ थोड़े बहुत कॉड। और गाइस देखो, मैंने एक हिट मारी तो इसकी हेल्थ कम हो गई। देखो, फीड का ऑप्शन आया, इसकी हेल्थ वापस रीजनरेट हो चुकी है। तो मैं को उसके ऊपर लगाना है सैडल। देखो गाइस, एक सैडल लग चुका है गोल्डन की। यहाँ पे देखो, उसके टॉप पे हमको गेम मोड क्रिएटिव में जाना पड़ेगा, तभी मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मैं कर लेता हूँ गेम मोड सी, यानी कि क्रिएटिव। और गाइस, अगर आपने बिना टेम ड्रैगन को छेड़ दिया,
तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे देखो अच्छी सी राजगद्दी लग गई अपने लिए, और यहाँ पे आप इसके ऊपर आर्मर लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली वापस आपको राइड का ऑप्शन आएगा, मेरे को वापस नहीं आ रही है, अड़ंगे कर रहे हैं बीच में घुस घुस के। तो क्या कर सकते हैं भाई, ड्रैगन है तो ये तो करेंगे ही। तो एक काम करते हैं, एक को बैठा देते हैं। तो आपको बैठाने के लिए क्राउच करके सीट को कर देना है। और गाइस देखो ये हमारा जो ड्रैगन है वो बैठ चुका है। इसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है भैया, यार ये परेशान बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे नेदरराइट का आर्मर दिखा भागने लग रहा है पता नहीं क्यों। तो कहीं नहीं यहाँ पे हम क्लिक करें तो गाइस फाइनली इसके ऊपर नेदरराइट का आर्मर लग चुका है। और देखो क्या ही तगड़ा दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। पर वही ना, नेदरराइट ऑप्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी है पर ऑप्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को लगा अभी कौन मार रहा है। तो कहीं नहीं यहाँ पे मेरे को लेना उसका आर्मर, यहाँ पे केक क्यों लेके बैठा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ले लेना है नेदरराइट NETHER, हाँ तो ये मैंने नेदर लिख दिया है। और गाइस ये रहा हमारा नेदर ड्रैगन आर्मर, जो कि चार चार लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी याद रख सकते हैं पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हिट मारता हूँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो इफेक्ट तो मतलब देखो आर्मर है तो जल्दी इसकी हेल्थ जाएगी नहीं। इसको मार के चेक कर लेते, एक स्वाड ही मार देते लो भाई। और गाइस इसकी हेल्थ जा चुकी है और मेरे ख्याल से अभी केक खा सकता है। तो पहले तो उसको स्टैंड करना पड़ेगा। ले भाई केक, यार मेरे को लगा केक खाएगा, जहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा था वहाँ पे तो था केक खाएगा। और गाइस अगर आपके साथ केक खा लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो लेट्स इसके ऊपर हम राइड भी तो करें भैया, पाला इसलिए। तो देखो इसकी हेल्थ अभी कम है, तो मैं इसको कॉड खिला के या फिर ट्रॉपिकल फिश कोई सी फिश खिला के इसकी हेल्थ बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। और तो और मैंने इसकी हेल्थ भी रीजनरेट कर दी। भाई कहाँ भाग रहा है यार एक तो ये। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर राइड कर दिया और अभी भी फुल रीजनरेट नहीं हुई है हेल्थ। और गाइस मैंने अगर किसी को एक हिट मार दी तो उसको अच्छा खासा नंगा ही कर देगा। तो यहाँ पे देखो उसको चिकन को एक ही बार में निपटा दिया। भाई मैं किसके ऊपर राइड कर चुका हूँ, तो मेरे को तो अपने ये क्रोकोडाइल वाला मैं इसके ऊपर राइड करना है। और अगर आपको उसको उड़ाना है तो सिंपली यूँ आपको लॉन्ग जंप, जैसे आप हॉर्स के ऊपर करते हो ना, सिंपली आपको जंप दबाना और ये ऊपर जाने लगेगा। या फिर ऊपर देखोगे तो ऊपर जाने लगेगा, नीचे देखोगे तो नीचे आने लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा औसम बात है। और यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप अपने नॉर्मल स्टीव को कंट्रोल करते हो वैसे आप ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ड्रैगन को उड़ाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आ रहे हैं। और गाइस फेवरेट ड्रैगन का कलर आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि आप उसके ऊपर राइड वगैरह कैसे कर सकते हो, और थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि आप उसको मतलब इंस्टॉल कैसे करते हो। और गाइस यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप कहीं एडवेंचर के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपका ड्रैगन खो जाए तो क्या करोगे, मतलब खोएगा ही नहीं मेन चीज। यहाँ पे जो भी टेक्निक्स है वुल्फ जैसी है वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वहाँ पे देखो उड़ने लग गए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए, रेंडर से ही बाहर हो गए। एक तो मेरे रेंडर डिस्टेंस इतने कम है इसलिए थोड़ा आ नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी रेंडर डिस्टेंस कुछ 10-14 रहेगी तो यहाँ पे आपके पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे, तो 6 में तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस जल्द से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 क्विट, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप मॉड को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। और गाइस जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, और लिंक मीडिया फायर की भी है, तो आपको डाउनलोड करने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप मॉड को प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओ। तो गाइस जैसे ही आप अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लोगे, फिर भी अगर आपको मॉड को इंस्टॉल करना नहीं आता है तो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाके देख सकते हैं। बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे कर देना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड। और यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते वक्त हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले को टर्न ऑन कर देना है, या फिर कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पे हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम मॉड्स, एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, तीनों को बारी बारी करके एक्टिवेट कर दीजिए। और यहाँ पे रिसोर्स पैक में आपको मिल जाएगा एवरी ड्रैगन रिसोर्स, तो सिंपली यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दीजिए। और बिहेवियर में ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा, पर अगर बाय चांस नहीं रहे तो कुछ नहीं, एक्टिवेट कर दीजिए और एट दी एंड कर दीजिए क्रिएट। और गाइस जैसे क्रिएट कर दोगे यहाँ पे हमारी वर्ल्ड खुल जाएगी, और आगे का तो आपको पता ही है कि ड्रैगन को हम कैसे टेम कर सकते हैं और सर्वाइवर में कैसे स्पॉन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।